क्वेश्चन नंबर 1.12 लेते हैं। देखिए यहाँ पर दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट पहले ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला जा रहा है टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्पीयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच इज 6.5 × 10⁻¹⁷ कूलम। द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है दो स्पीयर्स हैं, चार्ज कॉपर स्पीयर्स हैं ए एंड बी, दोनों पर चार्ज है क्यू क्यू, है ना। तो इस पर भी चार्ज हो गया 6.5 × 10⁻¹⁷ कूलम, और दूसरे पर भी चार्ज कितना हो गया क्यू इक्वल्स टू 6.5 × 10⁻¹⁷ कूलम। दोनों स्फीयर्स के बीच में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो कितना है 50 सेंटीमीटर है। ओके तो आर की वैल्यू कितनी है, हम नीचे यहां पर लिख देते हैं 50 सेंटीमीटर, आर इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 0.5 मीटर। ओके तो यहां पर देखिए जो रेडियाई हैं, दोनों की रेडियस हैं, वो 50 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में बहुत नेग्लिजिबल है, तो हम दोनों को पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हैं, पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और यहां पर कूलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला, यानी कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज एफ इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए यहां पर क्यू वन क्यू टू की वैल्यू सेम है, क्यू क्यू है, तो हम यहां पर क्यू वन क्यू टू घटाकर क्यू क्यू कर देंगे, और q इंटू क्यू क्या हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, k क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब k की वैल्यू क्या होती है इन एसआई सिस्टम, ये होती है 9 × 10⁻¹⁹, q स्क्वायर मतलब 6.5 × 10⁻¹⁷ कूलम का आपको क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है। ओके r कितना दिया हुआ है, r है 0.5, तो इसका भी आप स्क्वायर कर देंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहां पर आपको जो फोर्स मिलेगा दोनों स्फीयर्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन कितना मिलेगा, देखिए 1.521 × 10⁻²⁺ न्यूटन। आप इसको सॉल्व कीजिए, ये आंसर आएगा, यानी दोनों स्फीयर एक दूसरे पर जो रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे वो कितना होगा 1.521 × 10⁻²⁺ न्यूटन। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या बोला जा रहा है, सेकेंड पार्ट में बोला जा रहा है कि अगर दोनों पर जो पहले चार्ज था क्यू क्यू उसको अगर हम टू क्यू कर दें यानी दुगना कर दें, और जो सेपरेशन था R अगर हम उसको हाफ कर दें R बाई टू कर दें, तो अब नया फोर्स कितना होगा। ओके तो अब यहां पर न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा, तो हम मान लेते हैं पहले जो फोर्स आया था F हमारा कितना था इनिशियली, जब चार्ज Q था और सेपरेशन R था, तो आया था 1.521 × 10⁻²⁺ न्यूटन। अब मान लेते हैं अब ये चेंजेस करने के बाद फोर्स होगा एफ डैश, तो एफ डैश क्या हो जाएगा, एफ डैश होगा के 2q × 2q अपॉन r बाई टू का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स ये हो जाएगा k, और 2 × 2 कितना होगा 4 होगा, तो हम लिख सकते हैं 4kq² / r² / 4, क्योंकि यहां पर भी देखिए 2 का स्क्वायर होगा r का स्क्वायर होगा। अब ये 4 न्यूमरेटर में जाएगा, तो f डैश जो होगा न्यू फोर्स क्या होगा, देखिए 4 × 4 यानी 16 kq² / r². अभी आप ध्यान से देखिए k क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, अभी हमने सॉल्व किया था कितना आया था 1.521 × 10⁻²⁺ न्यूटन। ओके तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो न्यू फोर्स है वो प्रीवियस फोर्स का इनिशियल फोर्स का 16 टाइम्स होगा, कितना होगा 16 टाइम्स, और इनिशियल फोर्स कितना था 1.521 × 10⁻²⁺ न्यूटन, उसकी मल्टीप्लाई हमें 16 से कर देनी है, 1.521 की मल्टीप्लाई 1.521 × 10⁻²⁺ की मल्टीप्लाई 16 से कर देनी है, तो ये आएगा 0.24 न्यूटन। तो अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो कितना होगा 0.24 न्यूटन। ओके उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था।